तो भैया आप सभी को दिल से राम राम। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आज फिर महिंद्रा जेलो एक आई है अभी गाड़ी मेरे पास, उसमें चेक इंजन लाइट आ रही है और एक्सीलेटर पेडल बिल्कुल ही ना रह रही है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे और चाहता मैं ये हूँ कि रुपए ना लगे एक भी, बहुत कम पैसे लगे और थोड़े पैसों में प्रॉब्लम पहले खत्म हो, प्रॉब्लम सही से पकड़ में आवे तब पैसे लगा लो, चाहे कुछ भी डाल लो, लेकिन सबसे पहले कोई चीज डालने से पहले प्रॉब्लम को पकड़ो और प्रॉब्लम पकड़ के तब कोई भी चीज चेंज करो या मत करो, क्लीन करो, पर कम पैसों में प्रॉब्लम पकड़ो। तो इसलिए आइए चेक करवाता हूँ, चेक इंजन लाइट आ रही है और एक्सीलेटर बिल्कुल ही ना ले रही है। तो इस गाड़ी को कैसे करता हूँ मैं, आप मेरा मेथड देखिए और शुरू करते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके थैंक यू। ये आज सुबह से हुआ है? हाँ सुबह से, कोई बात नहीं। और वो जब तक जो रेस फिर भी था हुई थी, हम लोग जा रहे थे गड्ढे में पड़ा टायर ढक देनी। अच्छा भी हो गया यार। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है, बहुत ज्यादा बार बार ब्लिंक कर रही है और एक्सीलेटर भी नहीं ले रही है। ये देखो एक्सीलेटर इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा, दो से ज्यादा। कभी कभी रेस नहीं लेती होगी। कारण? कारण अभी पता पड़ेगी, तरीके से ही होगा काम। ये स्कैनर है क्या? हाँ हाँ स्कैनर ही तो है ये। अब इसे इमरान भाई इसे खोलो एक बार, इसे क्लीन करते हैं सबसे पहले। पता है क्या होता है, अब बरसात में लेके गए पानी घुसा अंदर, एयर फिल्टर को पानी गया, अब जो सिग्नल ये कंप्लीट एयर नहीं जाएगा इंजन को, तो ये सिग्नल दे देगा इस यूको को, भाई मेरे को एयर जितना क्वांटिटी एयर की चाहिए उतना एयर नहीं दे पा रहा। तो इस यू क्या करेगा, वो ले चेक लाइट जला देगा कि भाई इसके अंदर कमी है, भाई मैकेनिक को चेक कराओ जल्दी से। तो वही मैकेनिक अभी से चेक करेंगे। तो ये पंगा ले आओ, इसका एयर फिल्टर खोलते हैं सबसे पहले, बाकी हो जाएगी गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। पूरा क्या है, एलकी के बोल्ट है ये, एलकी का अब ये लंकी के सारे बोल्ट खोल लेंगे एयर फिल्टर का, और इसके जो एयर मास सेंसर है उसका तार निकाल लेंगे, जब पहले बैटरी का निगेटिव पॉइंट अलग करेंगे, उसके बाद से इसके सेंसर का तार निकालेंगे एयर मास सेंसर का, और फिर मैं इसको क्लीनिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको कि क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें खोल लें। अब देखो एयर फिल्टर तो बिल्कुल सूखा है, इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं है, पानी नाम मात्र के बराबर है, पानी तो पता ही नहीं पड़ रही है। इसके एयर मास सेंसर को खोलते हैं। एयर मास सेंसर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा करके इस पर कचरा जमा हुआ पड़ा है और चिपक गया है, बिल्कुल एक लेयर टाइप का लग गया है डस्ट का। तो इसकी वजह से सिग्नल इश्यू को सही नहीं जा पाता है और इश्यू जो है ना अपना चेक लाइट जला देता है। तो इसको क्लीन करना होगा ताकि सही से सिग्नल बता सके एयर मास सेंसर। और इसकी वजह से जैसे ही एक्सीलेटर चेक इंजन लाइट आ रही है ना, एक्सीलेटर बिल्कुल ले ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से हम क्लीन करते हैं। इसको पानी से भी मार सकते हैं, पहले पेट्रोल से धो लें, जो गंध है ना, जो किनारी के देख रहे हो कितना गंध है, तब इससे क्या होता है माइलेज भी कम देगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, एक्सीलेटर नहीं ले रहा। ब्रूस ले आओ, वीडियो काट के ब्रूस एक बार ले आओ। काट दी वीडियो नीचे ही। मैंने ब्रूस मार के बढ़िया करके इसे चमका दिया, बिल्कुल बेहतरीन ब्रूस मार मार के पेट्रोल से बहुत अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर रखा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्लीनिंग हो गया। अब यह अच्छा सिग्नल देगा इश्यू को और लाइट वाइट अब नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ओके। कभी वीडियो में भी आ जाए। ये क्लीन हो गया पूरी तरीके से, अब इसे फिट करता हूँ। वो दो इसका, वो दो ये लो, ये लो यहाँ टाइट कर दो। आज बुला रही थी मुझे, टाइम ही नहीं है। सारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। अब मैंने कंप्लीट इसको फिटिंग करवा रहा हूँ फिल्टर को, और सबसे पहले एयर मास सेंसर का तार आपको लगाना है, इसके कपलर को लगा दीजिए। उसके बाद से अब इसका बैटरी टर्मिनल जो पहले हमने निकाले थे बैटरी टर्मिनल निगेटिव वाला, वो बाद में लगाना है निगेटिव वाला। अब जाके लगा के अब स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को और आपको टेस्ट करवा। कैसे चाबी में गड़बड़ है क्या? ये देखो, अब देखो, अब ये फ्री हो गया, देखो
अभी ये वाला आ गया, पहले कौन सा आ रहा था वो वाला, वो तो बंद हो गया। हाँ इसको दो तीन बार करोगे, ये चीज हो रही है मुकेश भाई देखो। एक बार मैनुअली रीसेट करो इसे, एक दो तीन। थोड़ा सा रेस देना इमरान भाई जरा, रेस दो जरा, पहले रेस ही वाले रही थी, बिल्कुल पैडल फ्री हो जा रहा है पहले। हाँ ना अब ना होने, मैनुअली रीसेट भी तो कर दिया। हाँ ये प्रॉब्लम इसका था, ये सेंसर का था, ये क्लीन करना पड़ा। हाँ ये फाइनली हमारी गाड़ी जेलो, और ये पाजी की गाड़ी है। पाजी आप बताओ कैसा है रिस्पॉन्स रहा है? बहुत बढ़िया मुकेश भाई, आपको तो क्या कहने का, जबरदस्त जबरदस्त चीज है आप यार। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आपने तो पहले भी काम भी रिसेंटली मेरा क्लच खराब हो गया था, कुछ मतलब वो चांस नहीं था, तो वो उसका बैरिंग भी खराब था, पता नहीं इन्होंने कैसे सेट कर दिया यार, पर मतलब कि आई टेक ना 100% मार्क्स। ओके थैंक यू। तो ये था अपना हिसाब किताब, तो बस यही था अपना वीडियो का मेथड, और इसे गाड़ी को अभी चला के ट्राई लेके बढ़िया करके आपको चेक करवाता हूँ क्या रिस्पॉन्स आई, और जो भी है आपके सामने मैं रिजल्ट रखने वाला हूँ, आप देख लीजिए कैसा रिजल्ट आता है। ओके बस बस चलाओ फिराओ, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। हाँ ओके ओके थैंक यू। ओके भैया ओके। एक मिनट। हाँ This is a best mechanic in Noida, so please share for this video. Okay, thank you. तो आप लोगों ने देखा कैसे मैंने इजीली उसका रिमूव कर दिया, मैंने जो भी माल फंक्शन की लाइट थी क्लस्टर मीटर में। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना जल्दी ये कैसे बिना स्कैनर के तुरंत फॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, तो भाई यही एक तजुर्बा है, इसी तजुर्बे को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर भी यही तजुर्बा है कि आप ज्यादा पैसे 20,000-10,000 गाड़ी में लगा दिए, फिर प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, गाड़ी वाला भी आपके ऊपर नाराज हो रहा है, कस्टमर जो है मालिक कार मालिक, तो आप ऐसा ना करें, पैसे बेस्ट जब ही करें जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये पार्ट खराब है। तो इसलिए मैं बिना स्कैनिंग, क्योंकि मुझे तो ज्यादा तजुर्बा हो गया आजकल विदाउट स्कैनिंग करते करते, इसलिए मुझे प्रॉब्लम पता पड़ जाती है कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। और भाई मैंने गाड़ी को पहले छेड़ा नहीं था, आपको लाइव दिखाया, लाइव ही मैं छेड़ भी रहा था गाड़ी को। तो इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें यदि आपको लग रहा है कि हाँ इनसे वीडियो आगे भी ऐसे मिलती रहेंगी और मुझे मेरे काम की वीडियो है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन बहुत जरूरी है दबाना, तो ये सब कर लीजिए। और दिनों की तरह ही आपका ये मेथड मैंने बताया उसके लिए थैंक यू दिल से, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा।